वेलकम बैक टू क्यू स्टडी ऑफिशियल YouTube चैनल तो स्वागत है आपका इंग्लिश की क्लास में आज इंग्लिश की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं वर्ब तो स्टार्ट करते हैं क्लास को तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि वर्ब होता क्या है तो वर्ब की डेफिनेशन है द वर्ड व्हिच टेल्स अबाउट द एक्शन ऑफ द सेंटेंस इज कॉल्ड वर्ब तो बोल रहा है वो वर्ड जो कि एक्शन बताता है हमारे पास किसी सब्जेक्ट का या किसी सेंटेंस का उसको हम क्या बोलते हैं वर्ब बोलते हैं ठीक है थीके? तो अब पढ़ लेते हैं वर्ब्स होती किस किस तरह की है तो पहली वर्ब है हमारे पास प्रिंसिपल वर्ब प्रिंसिपल वर्ब में आती है हमारी ट्रांजिटिव और इन वर्ब ठीक है सेकेंड है हमारे पास ऑग्जिलेरी वर्ब जिसको हम हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं मॉडल मॉडल होता है हमारे पास मस्ट शुड विल चैल ठीक है लेते हैं प्रिंसिपल वर्ब होती क्या है तो प्रिंसिपल वर्ब क्या होती है हमारे पास द वर्ब विच कम्स विद द सब्जेक्ट एंड टेल्स अबाउट द एक्शन ठीक है वो वर्ब जो सब्जेक्ट के साथ आती है एंड उसका एक्शन बताती है जैसे ही रीड्स तो ही जो है हमारे पास यहाँ पे क्या है एक सब्जेक्ट है ठीक है रीड्स क्या है हमारे पास एक वर्ब है तो वर्ब किसके अकॉर्डिंग आ रही है ही के अकॉर्डिंग आ रही है ठीक है तो ये हमें बता रहा है कि वह पढ़ता है तो आई प्ले ये हमारा क्या बता रहा है प्ले हमारा क्या बता रहा है कि कौन प्ले कर रहा है आई प्ले मैं खेल रहा हूं ठीक है तो ये हमारे पास क्या आ गई प्रिंसिपल वर्ब हम बात कर लेते हैं ट्रांजिटिव वर्ब के बारे में तो ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है है अ वर्ब वर्ब रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इट्स सेंस ठीक तो ट्रांजिटिव वो वर्ब होती है जिसको अपने साथ एक ऑब्जेक्ट चाहिए होता है तभी सेंटेंस जो है आपका कंप्लीट होगा और तभी वो सेंटेंस आपका सेंस बनाएगा जैसे द बॉय ओपन द डोर अगर यहाँ पे आप लिखते द बॉय ओपन तो हमें पता नहीं clear नहीं था नहीं कि क्या ओपन करता है ठीक है तो ओपन जो है यहाँ पे हमारा ट्रांजिटिव वर्ब है और वो ऑब्जेक्ट क्या ले रहा है द डोर तो सेंटेंस एकदम सेंस बना रहा है द बॉय ओपन द डोर जो लड़का है वो क्या खोलता है दरवाजा ठीक है वैसे नेक्स्ट है हमारे पास इंट्रांजिटिव वर्ब तो इंट्रांसिटिव वर्ब क्या होती है पहले हमने पढ़ा ट्रांजिटिव तो ट्रांजिटिव क्या होती है जिसको ऑब्जेक्ट चाहिए होता है और इंट्रांसिटिव उसका उल्टा होता है जिसे ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए होता सेंटेंस कंप्लीट करने में और सेंस बनाने में जैसे द सन शाइंस तो ये सेंटेंस अपने आप में जो है एक कंप्लीट है ठीक है और एक सेंस भी बना रहा है कि जो सूरज है वो क्या करता है चमकता है ठीक है तो यहाँ हमें ऑब्जेक्ट की कोई जरूरत नहीं है वैसे ये मीनिंगफुल सेंटेंस बन रहा है द सन शाइंस हमारे पास है ऑक्सिलरी वर्ब तो ऑक्सिलरी वर्ब हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है ठीक है जैसे इज एम आर वॉज डज़ डू विल हैज हैव हैड तो ये सारा क्या है हमारे पास एक ऑक्सिलरी वर्ब है ठीक है तो अभी हमने पढ़े कुछ वर्ब्स तो अब हम देख लेते हैं कि रूल क्या है वर्ब्स के ठीक है तो फर्स्ट रूल हमारे पास है इफ़ टू और मोर देन टू सब्जेक्ट्स आर कनेक्टेड बाय यूजिंग एंड विल बी टेकन इन फॉर्म तो ये बोल रहे है, जब आपके पास दो या दो से ज्यादा होंगे तो एग्जाम्पल देख लेते जैसे यू ही एंड आई आर गोइंग टू स्कूल तो यू हमारे पास यहाँ पे क्या है फर्स्ट सब्जेक्ट सेकेंड सब्जेक्ट एंड आई है थर्ड सब्जेक्ट ठीक है और इनको हमने ज्वाइन किसके साथ किया है एंड के साथ ज्वाइन किया है ठीक है और तभी हमने हमनेल वर्ब क्या वर्ब किए अकॉर्डिंग टू रूल ठीक है हमारे पास रूल नंबर टू तो रूल नंबर टू क्या कनेक्टेड विद एंड वन ऑफ द आर्टिकल्स ए एन या दूस बिफोर वन ऑफ द नाउन देन विल ऑलवेज बी सिंगुलर तो इस रूल में क्या बोल रहे हैं अगर आपके पास दो नाउन दिए हैं और उनको एंड के साथ ज्वाइन किया आपने और किसी एक नाउन के साथ जो है आपने क्या लगाया आर्टिकल है तो आपकी जो वर्ब है वो कैसी होगी सिंगुलर होगी जैसे एग्जांपल में देख लेते हैं द हेडमास्टर एंड टीचर इज प्रेजेंट इन द क्लास तो यहाँ पे जो आपके पास हेडमास्टर है वो हमारे पास फर्स्ट सब्जेक्ट है या हमारे पास फर्स्ट सिंगुलर नाउन है और टीचर हमारे पास दूसरी सिंगुलर नाउन है और इनको ज्वाइन किसके साथ किया है हमने एंड के साथ और किसी एक के साथ हमने क्या आर्टिकल लगाया है द लगाया ठीक है तो आर्टिकल हम कोई भी यूज कर सकते हैं लेकिन हमने यहाँ आर्टिकल क्या लगाया द और जब भी हम कोई भी आर्टिकल लगाएंगे और दो सिंगुलर नाउन को एंड के साथ कनेक्ट करेंगे तो हमारे पास वर्ब कैसी होगी हमेशा सिंगुलर होगी इसीलिए यहाँ पे हमने इस जो है वो सिंगुलर वर्ब का यूज करा है ठीक है तो इसी रूल का इंपॉर्टेंट नोट पढ़ लेते हैं लेकिन बोल रहा है अगर आप आर्टिकल ए एन और द लगाओगे दोनों के साथ दोनों नाउन के साथ तो आपकी वर्ब कैसी होगी प्लूरल होगी ठीक है फॉर एग्जाम्पल द हेड मास्टर एंड द टीचर आर प्रेजेंट इन द क्लास तो हमने यहां आर क्यू लगाया क्योंकि हमने दोनों नाउन के साथ क्या लगाया है आर्टिकल लगाए हैं ठीक है जब भी हम दोनों नाउन के साथ आर्टिकल लगाएंगे और साथ में जो है एंड के साथ उनको कनेक्ट करेंगे तो हमारे पास कौन सी वर्ब आएगी प्लूलर वर्ब इसीलिए यहाँ पे आर जो है वो यूज हुआ है नेक्स्ट है हमारे पास रूल नंबर थ्री तो रूल नंबर थ्री बोल रहा है व्हेन टू सब्जेक्ट्स आर ज्वाइन बाय यूजिंग एज वेल एज विद टुगेदर विद अलोंग बिसाइड लाइक लाइक इंक्लूडिंग एक्सक्लूडिंग के साथ जो वर्ब आएगी वो कैसे होगी वो फर्स्ट सब्जेक्ट को फॉलो करेगी जैसे एग्जाम्पल है हमारे पास ही एज वेल एज आई इज रीडिंग तो ही हमारा क्या है पहला सब्जेक्ट है एंड आई जो है हमारा दूसरा सब्जेक्ट इज हमारे पास यहाँ पे जो आया है वो फर्स्ट पर्सन मतलब फर्स्ट सब्जेक्ट जो हमारा ही के अकॉर्डिंग आया है ठीक है अगर सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आता होता तो यहाँ पे क्या आना था एम आना था ठीक है आई एम लेकिन हमें क्या बोला गया है फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी इसीलिए हमने यहाँ पे इसका यूज करा है नेक्स्ट देख लेते हैं नेक्स्ट है हमारे पास रूल नंबर फोर तो रूल नंबर फोर क्या बोला है इफ टू सब्जेक्ट्स आर ज्वाइन बाय यूजिंग ईदर और नीदर नॉट नॉट ओनली बट आल्सो द वर्ब विल फॉलो द सेकंड सब्जेक्ट ठीक है जब भी आप दो सब्जेक्ट्स को ज्वाइन करेंगे इधर और नीदर और नॉट ओनली बट ऑल्सो के साथ तो आपकी वर्ब जो है वो फॉलो करेगी सेकंड सब्जेक्ट को जैसे हमारे पास एग्जाम्पल है राम हैज कंप्लीटेड द वर्क ठीक है तो यहाँ पे हमने कौन सी वर्ब यूज की हैज हैज हमारे पास सिंगुलर वर्ब है और वो आई किसके अकॉर्डिंग है राम के अकॉर्डिंग आई है ठीक है क्योंकि यहाँ पे हमने क्या बोला है कि वर्ब किसको फॉलो करेगी सेकेंड सब्जेक्ट को अगर आई को फॉलो कर रही होती यानी कि फर्स्ट सब्जेक्ट को तो हमारे पास यहाँ क्या आता हैव ठीक है अब सेकेंड सेंटेंस देख लेते हैं जैसे निदर ही नॉर हिज ब्रदर आर सिलेक्टेड फॉर द मैच तो यहाँ पे जो है हमारे पास वर्ब आई है सेकेंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट क्या है 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 हमारा ब्रदर्स 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 तो तो के अकॉर्डिंग आ रही है, क्योंकि एक नाउन तो आएगी? आएगी, तो 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 जब भी आपके पास बोथ मैनी और सेवरल होगा उनके साथ हम कौन सी वर्ब यूज करेंगे प्लुरल वर्ब यूज करेंगे जैसे मैनी बॉयज आर डूइंग ठीक है तो आर हमारे पास क्या है यहाँ पे प्लूर वर्ब है और मैनी का यूज हमने कि, किया है इसलिए हमारे पास वर्ब कैसी आई है प्लूर आई है ठीक है तो आर हमारे पास प्लूर वर्ब है ठीक है नेक्स्ट बोथ बोथ के साथ भी क्या यूज करना है हमें प्लूर वर्ब यूज करनी है तभी हमने यहाँ क्या लिखा है आर बोथ ऑफ देम आर इनवाइटेड अब नेक्स्ट है हमारे पास रूल नंबर सिक्स तो रूल नंबर सिक्स क्या बोल रहा है टू ऑक्सिलरी वर्ब्स कैन नॉट बी यूज टूगेदर ठीक है तो ऑक्सिलरी वर्ब क्या बताई थी मैंने आपको जैसे विल मस्ट इज एम आर ये हमारे पास क्या है ऑक्सिलरी वर्ब है ठीक है बोल रहा है कि दो ऑक्सिलरी वर्ब हो गए उनको हम एक साथ नहीं लिख सकते जैसे एग्जाम्पल में यू विल मस्ट डू द वर्क ठीक है तो ये बिल्कुल गलत सेंटेंस है हम कभी नहीं बोलेंगे यू विल मस्ट डू द वर्क ठीक है विल भी हमारे पास ऑक्जिलेरी वर्ब है और मस्ट भी क्या है हमारे पास एक ऑक्जलरी वर्ब है तो ऑक्जलरी वर्ब को हम इकट्ठा कभी भी नहीं लिखेंगे ठीक है लेकिन नोट पर लेते हैं इसी रूल से रिलेटेड तो बोल रहे ये कैन बी टेकन टूगेदर बाय यूजिंग अ कंजंक्शन इन बिटवीन देम तो क्या बोल रहे हैं इनको जो है हम साथ में लिख सकते हैं लेकिन हमारे को क्या लगाना पड़ेगा कंजंक्शन लगाना पड़ेगा ठीक है फॉर एग्जाम्पल यू विल एंड मस्ट डू द वर्क ठीक है तो ये हमारा एकदम बिल्कुल करेक्ट सेंटेंस है क्योंकि हमने यहाँ पे कंजंक्शन कौन सी यूज़ करी है एंड यूज़ करी है जब भी हम दो ऑगजरी वर्ग को कंजंक्शन के साथ लिखेंगे तो हम उनको इकट्ठे लिख सकते हैं लेकिन ऐसे हम जो है ऑग्जरेरी वर्ग को कभी भी इकट्ठा नहीं लिखेंगे ठीक है नेक्स्ट है हमारे पास रूल नंबर सेवन तो रूल नंबर सेवन है हमारे पास सिंगुलर सब्जेक्ट मस्ट हैव सिंगुलर वर्ब जो सिंगुलर सब्जेक्ट होता है उसके साथ हम हमेशा क्या लगाते हैं सिंगुलर वर्ब लगाते हैं फॉर एग्जांपल ही राइट्स ही जो है हमारे पास यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट है और सिंगुलर प्रोनाउन है तो इसके साथ हमने क्या लिखा है सिंगुलर वर्ब लगाई है एस लगाया ठीक है ठीके? राइट्स ही राइट्स नेक्स्ट है हमारे पास रूल नंबर एट तो रूल नंबर एट रहा है पुरल सब्जेक्ट मस्ट हैव है वर्ब जो पुरल सब्जेक्ट होता है उसके साथ हम हमेशा प्लूरल वर्ब लगाते हैं जैसे वी राइट दे राइट तो वी जो है हमारे पास एक क्या है प्लुरल सब्जेक्ट है और तभी हमने यहाँ पे प्लुरल वर्ब लगाई है राइट ठीक है हमारे पास जो नाउन होते हैं अगर किसी नाउन में एस लगाए जैसे बॉयज तो ये हमारे पास क्या बनता है एक प्लुरल नाउन बनता है और वैसे ही अगर वर्ब के साथ हम जैसे और अगर हम किसी वर्ब के साथ एस लगाते हैं जैसे राइट्स तो ये हमारे पास क्या बनता है सिंगुलर बनता है ठीक है तो ये डिफरेंस आपको पता होना चाहिए नेक्स्ट हमारे सिंगुलर वर्ब दो सिंगुलर वर्ब को जब भी हम ज्वाइन करेंगे और या नॉर के साथ तो वो क्या वर्ब लेगी आपस में सिंगुलर वर्ब जैसे अ डॉक्टर और अ नर्स इज वर्किंग इन हॉस्पिटल तो यहां हमने और का यूज करा है तभी जाके यहाँ पे हमने वर्ब की भी कौन सी यूज करी है इज वर्ब यूज करी है इज कौन सी हमारे पास वर्ब है सिंगुलर वर्ब है ठीक है नेक्स्ट है हमारे पास रूल नंबर टेन तो रूल नंबर टेन हमारे पास बोल रहा है इंडेफिनेट प्रोनाउंस क्या क्या होते हैं हमारे पास जैसे सम वन सम बडी ईच नो बडी वन नो वन एवरी वन एवरी बडी इधर नीधर उनके साथ हमेशा क्या लगाएंगे हम सिंगुलर वर्ब लगाएंगे जैसे ईच ऑफ माई फ्रेंड्स कॉल्स मी वंस अ मंथ ठीक है तो कॉल्स यहाँ पे हमारा क्या है सिंगुलर वर्ब है ठीक है एस लगा इसके साथ तो हमने क्या बोला है कि जब भी ईच एवरी बडी ईधर नीधर एवरी वन इन सब के साथ जो है हम क्या लगाते हैं सिंगुलर वर्ब लगाते हैं ठीक है ठीके? तो आज की क्लास में हमने पढ़ा वर्ब और उसके कुछ रूल कल हम बाकी बच्चे रूल्स पढ़ेंगे साथ में लाएंगे हम वर्ब की एरर डिटेक्शन तो आई होप आपको आज की क्लास एंड आज के रूल्स जो हमने वर्ब के पढ़े वो समझ आए होंगे अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो एक लाइक कमेंट ज़रूर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग